में खबर आपको बताते हैं। दरअसल आपने देखा कि किस तरीके से रामलला की मूर्ति जो अरुण योगीराज की ओर से बनाई गई वो वायरल हो गई। इस पर ट्रस्ट खासा नाराज है। ट्रस्ट की ओर से ये कहा गया है कि ये मूर्ति की फोटो किसी कंपनी के कर्मचारी की ओर से, यानी कि वो कंपनी जिसके कर्मचारी अंदर काम कर रहे हैं, जिनकी ओर से मंदिर बनाया गया, उनकी ओर से जारी की गई है या वायरल की गई है, इसीलिए अब इस पर कार्रवाई भी होगी। ट्रस्ट खासा नाराज है क्योंकि ये कहा जा रहा था कि जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर देते हैं तब तक मूर्ति की फोटो किसी के सामने, अरुण योगीराज से हमने बात भी की थी, उन्होंने भी ये कहा कि हम चाहते हैं कि देश दुनिया के सामने फोटो या वो हम कहें कि मूर्ति उसी दिन सामने आनी चाहिए थी, लेकिन फोटो पहले ही सामने आ गई श्रृंगार रूप में और तमाम चीजों में। इससे ट्रस्ट है नाराज और वो ये कह रहा है कि जिस भी किसी कर्मचारी के फोन से ये फोटो वायरल हुई है उस पर कार्रवाई की जाएगी क्योंकि ये ठीक नहीं है सुरक्षा के लिहाज से भी और ट्रस्ट के लिहाज से भी। आप मेरे पीछे की खूबसूरती देख रहे हैं, मैं आपको लगातार दिखा ही रही हूँ, ये गेंदे के फूल, ये साजो सज्जा, ये गजराज, सब कुछ वाकई मंत्रमुग्ध कर देने वाला है, मन मोह लेने वाला है। लेकिन अब हमारे सहयोगी यतेंद्र उस जगह पर गए जहाँ ये फूल इतनी बड़ी संख्या में रखे हुए हैं। जरा ले चलते हैं आपको, यतेंद्र की ये रिपोर्ट दिखाते हैं कि कहाँ ये फूल रखे गए हैं और कहाँ कहाँ लगाए जाएंगे। रिपोर्ट देखिए। प्रभु श्री राम के बाल विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा के लिए तैयारियां तेज हो गई है। गेट फूलों से सजाया जा रहा है, मजदूर है, पैराइज से बुलाए गए हैं खास तौर पर और फूल भी खास तौर पर कलकत्ता से मंगाए गए हैं। कई तरह के फूल हैं जो कलकत्ता से विशेष तौर पर भगवान श्री राम की जो प्राण प्रतिष्ठा है बाल विग्रह की उसके लिए ये फूल मंगाए गए और यहाँ पर है जो इस गेट पर लगेगा और इसके बराबर वाले गेट पर लगेगा 13 टन। आप देख सकते हैं हाथी जो माना जाता है स्वागत के लिए, जब हाथी इस गेट से अंदर जाएंगे तो ये हाथी दोनों तरफ गेट के दोनों तरफ लगाए जाएंगे और ये प्रभु श्री राम लिखे हुए फूलों से राम लिखा हुआ है। तो देखिए मंदिर के अंदर जो खूबसूरत फूल लगे हैं वो थाईलैंड से आए हैं, बाहर जाए कोलकाता से आए हैं, जितने भी फूल यहाँ पर देश के कोने कोने कहाँ से आया? उज्जैन से आया, अवंतिका नगरी से। वाह, महाकाल की नगरी, महाकाल की नगरी से आए बाबा के यहाँ। कैसा लग रहा है? अरे आनंद आ गए, आनंद परमानंद, जय महाकाल, जय सियाराम। आपका राजस्थान झालावाड़ जिले से आया हूँ। कैसा लग रहा है? बहुत अद्भुत, अविश्वसनीय। आपका जोधपुर जिला राजस्थान। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। राम लल्ला के लिए खुश है आप लोग? उत्साहित है भाईजान? जय सियाराम, जय सियाराम। सर्दी भी महसूस नहीं हो रही? राम लहर चल रही है, राम लहर चारों तरफ राम लहर चल रही है। ये राजगढ़ जिले से। कैसा लग रहा है आवाज? आनंद आ गया, बहुत खुश है, बहुत खुश है, बहुत खुश है। देखिए ये ऊर्जा जो है उज्जैन महाकाल से आए हैं, शिव और राम की जोड़ी। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए महाकाल से ही आए, महाकाल उज्जैन से, वहाँ पर भी देखिए 22 तारीख की अलग से जो है तैयारी की गई है, उत्साह वहाँ पर भी नजर आ रहा है। महाकाल मंदिर 5 लाख लड्डू आ रहे हैं बाबा के यहाँ रामलला के लिए, अवंतिका नगरी से। अच्छा, महाकाल उज्जैन का मंदिर 5 लाख लड्डू यहाँ आ रहे हैं बाबा? आ रहे हैं, कब आ रहे हैं? आ गए, चालू हो गए, चालू हो गए हैं। जय सियाराम, जय सियाराम। लड्डुओं का भोग आ रहा है, महाकाल मंदिर जो है वो लाइटों से जगमगा रहा है, वहाँ पर भी राम धुन सुनाई दे रही है, यहाँ पर भी राम धुन सुनाई दे रही है, वहाँ के भक्तों में भी उत्साह है, यहाँ के भक्तों में उत्साह है। ऐसा कोई मुख नहीं है जहाँ से हमने जय सिया राम ना सुना हो और यही राम लहर जो है अयोध्या से लेकर देश भर में इस वक्त सुनाई दे रही है। लेकिन महाकाल मंदिर की अद्भुत अलौकिक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, वहाँ पर भी रंगारंग लाइटिंग जो है लगाई गई है और महाकाल मंदिर जो उज्जैन में है वो जगमगा रहा है, वैसे ही जैसे भव्यता प्रभु श्री राम के मंदिर की नजर आ रही है। और देखिए कुछ और लोग भी हैं यहाँ, देखिए जय श्री राम का झंडा लेके कहाँ से आए हैं बाबा जी आप? पंढरपुर से आए। पंढरपुर? अच्छा, क्या कितने दिन से हैं यहाँ पर? ये 17 साल की बात है। अच्छा, ये बजाते हैं आप? बजाइए कुछ, बजाइए कुछ। राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम। आप कहाँ से हैं? असम।
आसाम से आए, कैसा लग रहा है? अच्छा लगा। अच्छा लग रहा है। अच्छा, श्री राम के लिए 22 तारीख के लिए तैयारी है आप लोगों के सामने भी? बिल्कुल, पूरी पूरी फुल तैयारी, फुल तैयारी के साथ। देखिए, ये जो तैयारी है ये राम भक्तों की उसी वक्त से सपना हो गई थी जब प्रभु श्री राम का मंदिर जो है यहाँ पर बनना शुरू हो गया था। वो पहली ईंट जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर की रखी थी, उत्साह और जोश कम नहीं है और मुझे लगता है ये सालों साल इसी तरीके से जोश जो है वो चलता रहेगा। सपना, आप क्या तस्वीरें दिखाएंगे, हम तो दिखा ही रहे हैं, कितना हर्षोल्लास, कितनी उमंग, ये भाव जो है यहाँ पर तमाम जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनके मन में। बिल्कुल, मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगी, लेकिन अपने दर्शकों को एक अच्छी खबर दे दूं कि देखिए, राम का उत्सव है तो कारोबार भी उस दिन नहीं करेंगे, हम सब छुट्टी लेंगे। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूं क्योंकि खबर यह निकल कर सामने आ रही है कि NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की ओर से ये कहा गया है, यह जानकारी दी गई है कि आज जो है शेयर बाजार पूरे दिन कारोबार करेगा। और उसका कारण है क्योंकि सोमवार को जिस दिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है उस दिन छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है, स्कूल की छुट्टी, दफ्तर की छुट्टी और अब कारोबार की भी छुट्टी कर दी गई है, क्योंकि कारोबार देने और बढ़ाने वाले तो राम जी हैं और अब जब वो आ रहे हैं तो उत्सव मनाना चाहिए, फिर काम किस बात का। तो सोमवार को अयोध्या में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है जिसकी वजह से बाजार उस दिन बंद रहेगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने भी कहा कि मनी मार्केट 22 जनवरी को बंद रहेगा। कल शनिवार को खुला रहेगा बाजार जो है सुबह 9:15 से 3:30 तक शेयर मार्केट खुला रहेगा। 22 जनवरी को शेयर मार्केट बंद किया जाएगा। ये एक बहुत बड़ी खबर है वाकई में, क्योंकि आप देखते हैं कि किस तरीके से कामकाज किया जाता है और उसमें सोमवार को, क्योंकि सोमवार को मार्केट सबसे ज्यादा उठता है या नीचे जाता है, सबसे ज्यादा हलचल देखते हैं मार्केट में, लेकिन उस दिन बंद का ऐलान किया गया। तो हम तस्वीर दिखाते चल रहे हैं, जरा आगे बढ़े अगर किशन, हम देखते जाइए। और ऊपर मैंने धनुष देखा किशन कहीं पर, तो आप धनुष भी दिखाइएगा, क्योंकि छोटी छोटी धनुया एक फिर मुझे चपाई याद आई कि करतल बाण धनुष अति सोहा देखत रूप चराचर सोहा। ये है उनकी जब वो धनुष बाण चलाना सीख रहे हैं। धनुष लगाया गया है, कहीं गदा लगाई गई है, कहीं गजराज बनाए गए हैं, अब बस आखिरी काम है बाकी। अयोध्या हो गई है तैयार, आइए मेहमानों का स्वागत करना है और स्वागत करना राम से अच्छा और कौन जानेगा। अयोध्या में हम मौजूद हैं, मोनिका लगातार हमारे साथ बनी हुई है। मोनिका, मैं दिखा रही हूँ खूबसूरती और आप लोगों के भाव बता रही हैं, दिखा रही हैं, सुनवा रही हैं। फिर से कुछ लोगों से बात करिए, जरा भाव सुनवा दीजिए, क्योंकि आज राम के दर्शन तो नहीं हो रहे लेकिन उनके परम भक्त के दर्शन हो रहे हैं और कहा जाता है अयोध्या में जिन्होंने उनके दर्शन कर लिए समझिए पूरी अयोध्या के दर्शन हो गए। देखिए, ये खूबसूरती और ये जो भाव हम दिखा रहे हैं अनमोल है, इनका कोई मोल नहीं है। और देश दुनिया के जितने भी तमाम राम भक्त यहाँ पर पहुँच रहे हैं उनके मन में यही भाव है। आप कहाँ से आए? उत्तराखंड। उत्तराखंड से आए हैं, देवभूमि से आप आए हैं, कैसा लग रहा है अयोध्या? बहुत अच्छा लग रहा है, मन इतना खुश है कि कह नहीं सकते हैं। अच्छा। रोम रोम मुझे आए हुए 16 तारीख को आ गया हूँ। 22 तारीख तक यही है? 24 तारीख तक यही है। 24 तारीख तक यही है। हाँ जी। दर्शन हो गए? हाँ दर्शन। व्यवस्थाएं कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी, व्यवस्था है बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। 22 तारीख को उत्तराखंड में कोई खास देवभूमि में कोई खास तैयारी? हर मंदिर में, हर घर में क्या कहते हैं दीपोत्सव होने वाला है। उत्तराखंड भी पूरी तरह सज चुका है, जैसे अयोध्या सज रहा है वैसे उत्तराखंड भी सज चुका है। ये सिर्फ अयोध्या की बात नहीं है सपना, ये अब देश दुनिया में ये रामलला नजर आ रही। माता जी बहुत मुस्कुरा रही है, कहाँ से आई हैं आप? हम मुंबई से आए। मुंबई से आए, बहुत दूर से। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय। कैसा लग रहा है? अच्छा है। अच्छा, दर्शन हो गए आपके? दर्शन ने अभी आए, अभी आए दर्शन। रात को 12 बज गया था तो दर्शन बंद हो गए। रात को 12 बजे पहुंचे? रात को 12 बजे। अच्छा, सिर्फ कार्यक्रम, सिर्फ प्रभु श्री राम के दर्शन? प्रभु श्री राम के दर्शन करने आए। मन खुश हो गया? मन खुश हो गया, बस हनुमान जी का दर्शन हो जाए तो राम जी का दर्शन भी हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। माता जी आप कहाँ से आई हैं? बिहार से। बिहार से आई हैं। कैसा लग रहा है अयोध्या? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, अच्छा प्रभु श्री राम के लिए कुछ गाना चाहेंगे? ठीक है, ऐसे तो गा लिए हैं। आप कहाँ से आए हैं? कुशीनगर जिला। कुशीनगर से आए हैं, कैसे मन में भाव चल रहे हैं अयोध्या आकर? बहुत प्रसन्न है हम लोग। बहुत प्रसन्न है। देखिए, तो देखिए अब सिर्फ 22 तारीख का इंतजार किया जा रहा है जब प्राण प्रतिष्ठा होगी। देखिए अवध तैयार है,
देश दुनिया में तमाम जो मंदिर हैं वो यही संकल्प ले रहे हैं, जब 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होगी तो हम भी दीपोत्सव बनाएंगे। एक वो दीपोत्सव, एक वो दिवाली जब प्रभु श्री राम वनवास काट कर आए थे, और एक ये दिवाली जब देश भर में, दुनिया भर में ये राम लहर की खूबसूरती नजर आएगी। लेकिन 22 जनवरी का इंतजार किया जा रहा है, आंखें बिछाकर देश दुनिया के तमाम दर्शक जो हैं वो राम लल्ला को निहारना चाहते हैं। भव्य राम मंदिर तैयार है, फूलों से सजाया जा रहा है, लाइटिंग की गई है, भव्यता दिव्यता शायद हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते, विवरण नहीं कर सकते, सिर्फ उस भाव को महसूस कर सकते हैं, स्मरण कर सकते हैं। सपना मेरी सहयोगी लगातार हमें तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि कितना फूलों से पूरे भव्य मंदिर को सजाया गया है। अब देखिए, क्योंकि न्यूज 18 इंडिया आपको हर तस्वीर दिखा रहा है, तो प्रभु श्री राम के दर्शन अगर आप करना चाहते हैं तो आपको न्यूज 18 इंडिया के साथ बने रहना होगा। एक एक तस्वीर हम दिखा रहे हैं। सपना देखिए, 22 तारीख का हर कोई इंतजार कर रहा है, लेकिन जोश उत्साह वैसा ही बना हुआ है देश के हर कोने कोने से जो भी श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं। उत्साह उत्सव होगा क्यों नहीं मोनिका, आप हमें और अपने आप को ही देख लीजिए कि हम कितने खुश हैं। हमसे कोई पूछे आकर हमें ये अवसर मिला है कि हम ये तस्वीरें दिखा पा रहे हैं, तो उत्साहित होना लाजमी है। लेकिन इन सबके बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर दिन एक संकल्प ले रहे हैं, और उन्होंने इस बार संकल्प लिया था कि देखिए आप साफ सफाई करिए, स्वच्छता रखिए, अपने मंदिरों में साफ रखिए अपने मंदिरों को। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि केंद्रीय मंत्री सभी जहां जहां उनके आसपास के मंदिर हैं वहां पूजा पाठ भी कर रहे हैं, साफ सफाई भी कर रहे हैं। इसी क्रम में, इसी कड़ी में वीके सिंह जो कि सांसद है भाजपा के, उनकी ओर से गाजियाबाद के स्कॉन मंदिर में जो है साफ सफाई की गई। गाजियाबाद से सांसद भी हैं, वहां पर उन्होंने साफ सफाई की है स्कॉन मंदिर।